वेलकम फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम टुटोरियल में। फाइनली यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है, इसे कैसे भरना है, कब शुरुआत डेट है, कब लास्ट डेट है और क्या क्या सावधानियां बरतना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ। और साथ में लास्ट में मैं आपको बोर्ड का नंबर भी एक दिया हूँ जिस पर आपको कुछ हेल्प लेना है तो कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके हमें बताइए आपको ये जानकारी कैसा लगा। यूपी पॉलिटेक्निक से संबंधित कोई प्रश्न सुझाव हो तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और यूपी पॉलिटेक्निक से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के घंटा बटन में क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल से रोजाना अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे चैनल के द्वारा लोड किए गए किसी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए बेल बटन को भी दबा दें दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री है। यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है और इसका फॉर्म फिलअप करने का स्टार्टिंग डेट 20 दिसंबर 2018 रखा गया है और लास्ट डेट 28 फरवरी 2019 रखा गया है। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन फिलअप किया जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसके बारे में विस्तार से बात करने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए और फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और इस एग्जाम की यदि आप तैयारी करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल कि कौन सा बुक हमें खरीदना चाहिए, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो वहां जाकर आप उस लिंक से बुक को परचेज कर सकते हैं पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए। और हमारे चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक से संबंधित हमेशा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का घंटा बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो हर स्टूडेंट को मालूम ही होता है, आप 10th पास होना चाहिए, या तो आप 10th पास हो, 12th पास हो या ग्रेजुएशन पास हो। एज जो है आपको 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी 1 जुलाई 2019 तक आपका एज कम से कम 14 साल होना ही चाहिए जो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन फी है वह जनरल और ओबीसी को 300 रुपया देना होगा, एससी एसटी वालों को 200 रुपया देना होगा। फी जो है आप पेड कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से, या फिर आप चालान से भी जाकर कर सकते हैं। एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक का भी आप चालान कटाकर आप इसका जो फी है आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम है वह 28 अप्रैल 2019 को लिया जाएगा और रिजल्ट मई महीने में आ जाएगा। तो इसका जो एग्जाम होगा आपको दो पाली में होगा, एक जो होगा आपको ग्रुप ए का जो होगा वह 9 से 12 बजे तक होगा और ग्रुप बी से के तक का जो एग्जाम होगा वह 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगा। तो आप जब फॉर्म भरें तो आप डिटरमाइन हो ले सही ढंग से कि कौन सा पाली का भर रहे हैं, सबको देख लीजिएगा। क्योंकि फॉर्म अभी आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज के डेट में फॉर्म तो नहीं अवेलेबल हुआ है, 20 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा तब पता चलेगा। तो ऐसा यदि कुछ रहता तो मैं आपको बता देता कैसे भरना है। तो यदि आपको कुछ परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा अच्छा हो कि आप किसी बड़े से फॉर्म भरवाएं या फिर किसी साइबर कैफे में चले जाएं, नज़दीकी साइबर कैफे जहां पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा जाता है, अपने टीचर लोग से फॉर्म भरवाएं, अपने घर के जो गार्जियन हैं उनसे भरवाएं तो ज़्यादा बेटर हो, ताकि किस तरह का कोई गलत नहीं हो। और एक स्टूडेंट एक ही फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा भर सकते हैं दोनों पाली के लिए, ऐसा नहीं, एक स्टूडेंट एक ही फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट jeecup.nic.in पर विजिट करें या फिर आप मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से भी जाकर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म सही ढंग से भरना है, जो भी भरना है फोटो देना, नाम, सिग्नेचर, फादर्स नेम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ सही ढंग से भर देना है। और जब फिलअप करें, सबमिट करें, फाइनल सबमिट करने के पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि किस तरह का कोई गलत नहीं हो, क्योंकि एक बार जब आप गलत भर दिएगा तो फिर दोबारा उसमें सुधार नहीं हो सकता है। तो जो भी आपके बारे में अपना बायोडाटा देना है तो आप जो 10th का सर्टिफिकेट है उसी को देखकर भरें कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ऐसा नहीं कि नाम में यदि आपका एक लेटर भी यदि गलत हो गया तो फिर आपको परेशानी हो जाएगा। फिर बाद में फी पेमेंट करने के पहले आप पूरी तरह कंफर्म हो लें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही भरा गया है, कोई भी किस तरह का कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप फी पेमेंट कर दीजिएगा तो फिर दोबारा आपको फी है वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए बढ़िया ढंग से फॉर्म देख लें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और फॉर्म भरने के बाद आप उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें जिसके माध्यम से आपको सुविधा होगा बाद में एडमिट कार्ड खोजने में, क्योंकि एडमिट कार्ड जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड लोड किया जाएगा, वहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। ये सब आपको पहले से मालूम ही होगा, आप लोग पहले से फॉर्म भरते होंगे।
आप जो भी मोबाइल इसमें आप डालिएगा उसमें आपको यूपी पॉलिटेक्निक से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहेगा, लेटेस्ट नोटिस आता रहेगा। कुछ यदि एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम में कुछ चेंजिंग होता है, एग्जाम डेट घटता बढ़ता है, तो उसका मैसेज आपको SMS के थ्रू आता रहेगा, ईमेल आईडी में आता रहेगा। इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही डालें, सही ढंग से डालें। यूपी पॉलिटेक्निक के लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको यूपी पॉलिटेक्निक से संबंधित जब भी कोई सूचना आएगा तो इस चैनल पर उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, आपको यदि यूपी पॉलिटेक्निक का इस फॉर्म को भरने में कुछ परेशानी हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप इसके जो ऑफिशियल जो नंबर है वहाँ आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके बोर्ड में उसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ आप फोन करके पूछ सकते हैं। इसका रिजल्ट मई 2019 में आएगा, मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप फॉर्म फिलअप सही ढंग से कर पाइएगा, सब कुछ समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और यूपी पॉलिटेक्निक से लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटा बटन में क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको जानकारी कैसा लगेगा। पॉलिटेक्निक से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करते समय कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पॉलिटेक्निक का जो किताब खरीदने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप ऑनलाइन किताब को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।